रविवार 24 जून को मूला अवलांच ने अपने आने वाली प्रोडक्शंस के लिए चाणक्यपुरी में ऑडिशंस का आयोजन किया। बहुत से कलाकारों ने कला के अलग अलग क्षेत्रों में अपने टैलेंट का प्रदर्शन किया। तो सर, सबसे पहले अपना नाम बताइए। आदित्य। तो आपका फर्स्ट टाइम है आज? यस। तो आर यू नर्वस? थोड़ा थोड़ा। ओके, तो आप किस कैटेगरी के लिए आए हैं? मेनली मैंने देखा ऑडिशन का जब, तो उसमें एक्टिंग भी था, डांसिंग भी था, वीडियोग्राफी भी था, फोटोग्राफी भी था, और एक और चीज़ थी मॉडलिंग का। तो मैंने सोचा कि सबके लिए ट्राई करूँ, लेकिन अभी खैर मैं फिलहाल एक्टिंग की स्क्रिप्ट लेके खड़ा हूँ, तो स्टार्ट मैं उसी से करूँगा। दैट्स वेरी नाइस, ऑल द बेस्ट। थैंक यू। भारतीय संगम के साथ मिलकर मूला अवलांच ने दिल्ली के कई कलाकारों को अपनी किस्मत आजमाने के लिए एक मौका दिया, एक मंच दिया। जो भारतीय संगम सोसाइटी, उसका उद्देश्य यही है कि जो भाषाएं लिप्त होगी उनको सामने लाना। पंजाबी, मराठी, गुजराती, संस्कृति, हर भाषा के लोग आए, पंजाब से भी कुछ आए, तो हर भाषा को जीवित रखना ही हमारा उद्देश्य है। हर कलाकार की कला को निकालना, बड़े पर्दे तक ले जाना, और उसके माध्यम से वो अपने जीवन में अपना पालन कर सकते हैं, परिवार को पाल सकते हैं। एक तरह से ये बहुत सराहनीय काम है जो संस्था हमारी कर रही है। हर आदमी का सहयोग है और भविष्य में हम इसको आगे बढ़ाते रहेंगे। ये पूरे देश में काम करेगी और कर रही है। सर, जैसा हमने आज देखा, काफ़ी सारे लोग आए थे ऑडिशंस के लिए, तो आपका एक्सपीरियंस कैसा रहा इसमें? अच्छा लगा। लोग थोड़े घबरा रहे थे, बच्चे थे, कुछ तो लोग ऐसे थे बच्चे जो फर्स्ट टाइम स्टेज पर आए थे, एक घबराहट थी, पर हिम्मत कर रहे थे। मैंने देखा कोई उस कोने में खड़ा होकर प्रैक्टिस कर रहा था, कोई पेड़ के नीचे, पूरा एक मंच सा माहौल बना हुआ था, कुछ करने की चाह थी। और मैं समझता हूँ आज ये शुरुआत थी, और ये बच्चे एक दिन इसी मंच के माध्यम से इस दुनिया में बड़ा नाम कमाएंगे और बड़ा रोल करेंगे। थैंक यू सर, बहुत शुभकामनाएं आपको। तो आज हम पहुंच गए हैं मूला अवलांच के ऑडिशंस में। हमारे साथ हैं बॉलीवुड के एक्टर एंड प्रोड्यूसर मिस्टर राजवीर शर्मा। हेलो सर। सर, जनरली ये ऑडिशंस जो हैं वो बॉम्बे में कंडक्ट किए जाते हैं, बिकॉज इट्स द सेंट्रल फिल्म इंडस्ट्री ऑफ इंडिया, तो आपने ये दिल्ली में ऑर्गेनाइज करने का क्यों सोचा? देखिए, जो ऑडिशंस हैं वो आजकल मेरे हिसाब से पैन इंडिया में हो रहे हैं, बिकॉज इंडिया में टैलेंट की कोई कमी नहीं है। खासकर आजकल आप देखेंगे तो छोटे शहरों से बहुत सारे लोग निकल के आ रहे हैं, चाहे वो सिंगर्स हैं, एक्टर्स हैं, मॉडल्स हैं, राइटर्स हैं, व्हाटएवर इट इज़, सिनेमेटोग्राफर्स हैं। तो हमारी एक कोशिश है कि हम दिल्ली में एक प्लेटफॉर्म तैयार करें जिसमें न्यू कमर्स को चांस मिले। बिकॉज दिल्ली में क्या हो रहा है कि लोगों को अपना घर बार छोड़ के बॉम्बे जाना पड़ता है, और वहाँ जाके एक पहली स्ट्रगल होती है घर की, घर के बाद होती है वहाँ के कॉन्टैक्ट्स की, फिर होती है रहने की, खाने की, बहुत सारी स्ट्रगल्स होती। तो मैंने एक नया प्लान प्रोजेक्ट वाइज तैयार कर रहे हैं हम लोग, जिसमें मैं ये कोशिश कर रहा हूँ कि हम लोग दिल्ली को डॉलीवुड के नाम से रजिस्टर करा सकें, और गवर्नमेंट से हमारी रिक्वेस्ट रहेगी कि आप दिल्ली को डॉलीवुड बनाएं, ताकि जो दिल्ली के आर्टिस्ट हैं इन्हें बाहर जाने की ज़रूरत ही ना पड़े। कई लोगों ने अपने टैलेंट का कमाल दिखाया है, अब देखते हैं कि कौन आगे बढ़ता है, किसकी किस्मत साथ देती है। ऐसी ही बड़ी खबरों को जानने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं।